माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा संचालित हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के परिणाम आज घोषित कर दिए हैं। राज्य स्तर की मेरिट में 300 में से 300 अंक लाने वाले पहले स्थान पर प्रदेश के 15 छात्र हैं। इन 15 छात्रों में इंदौर जिले के महू से मॉडल स्कूल की छात्रा कविता लोधी भी शामिल है। वैसे तो हर साल 15 मई को 10वीं का रिजल्ट जारी किए जाने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते रिजल्ट में देरी हुई है। इसके साथ ही खास बात यह है कि इस बार दो विषयों में जनरल प्रमोशन दिया गया है। इस साल 11.5 लाख विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। एमपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। मेरिट लिस्ट में 360 स्टूडेंट्स ने स्थान पाया है। 100% अंक पाने वालों में 15 छात्र छात्राएं शामिल है। इनमें महू की कवि लोधी शामिल है। इस साल कुल रिजल्ट 62.84% रिजल्ट रहा है। हाई स्कूल परीक्षा में इस साल 62.84% नियमित परीक्षार्थी तथा 16.95% स्वार्थी परीक्षार्थी उत्तीर्ण रहे हैं। खास बात यह रही कि इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी है। एमपी में इस बार 62.84% रिजल्ट रहा और करीब 15 छात्रों ने टॉप किया है। 10वीं में भिंड अनुभव अनशर्मा, गुना के लक्षदीप धागड़, गुना के प्रियांश रघुवंशी और पवन भार्गव ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इन चारों ने 300 में से 300 अंक प्राप्त किए हैं। इसके अलावा चतुर कुमार त्रिपाठी, हरिओम पाटीदार, राजनंदनी सक्सेना, सिद्धार्थ सिंह शेखावत, हर्ष प्रताप सिंह, कविता लोधी, मुस्कान मालविया, देवांशी रघुवंशी, कर्णिका मिश्रा, प्रशांत विश्वकर्मा, वेदिका विश्वकर्मा ने टॉप किया है। इसमें से 15% छात्रों को 100% अंक मिले हैं। करीब 38 छात्र पांचवें स्थान पर रहे। 15 छात्रों ने 10वीं में पहला स्थान हासिल किया है। इसमें सबसे ज्यादा 5 छात्र गुना के हैं। वहीं एक छात्र कर्णिका मिश्रा भोपाल की है। नाम बताएं आपका? मेरा नाम कविता लोधी। कविता, कैसा लग रहा है आज आपने पूरे एमपी के अंदर टॉप किया है? सर, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? मैं इसका श्रेय अपने मम्मी पापा को देना चाहूंगी और मेरे टीचर्स को। ये आपका स्कूल कहाँ पर है? सर, मेरा स्कूल महू में है। और आपका घर कहाँ है? सर, मेरा सत्यशाही कॉलोनी। ये कहाँ पड़ता है? पीतमपुर। हाँ, पीतम। तो पीतमपुर से महू तो काफ़ी दूर है, कितना किलोमीटर दूर होगा? हाँ, बहुत दूर है। तो मतलब यहाँ से हाउसिंग से हमें बस मिल जाती है, तो यहाँ से उधर तक पैदल जाते हैं हाउसिंग तक, फिर हाउसिंग से हमें बस मिल जाती है। और आपके घर से हाउसिंग का कितने दूरी का रास्ता है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, मतलब इतने उसमें आपने इस तरीके से टॉप किया है, क्या फील कर रहे हैं आप? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि मतलब मैंने टॉप किया है। वो मैंने सोचा था तो मेरा वो सच हुआ कि मैंने जो सोचा वो सही हुआ है। आगे का ड्रीम क्या है आपका? मेरा आगे का ड्रीम मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं अपने ड्रीम को पूरा करना चाहूँगी। आज आपका एक ड्रीम तो कंप्लीट हो चुका है लगभग। हाँ। आज टॉप आए हैं आप, तो इसके अंदर किस तरीके का आपका योगदान रहा, क्या मेहनत रही और किस तरीके से आपको ये सब चीज़ों से गुजरना पड़ा, क्या थोड़ा बताएंगे? सर, मतलब मैंने मेहनत तो बहुत की है। अब इतनी दूर जाना और घर में पढ़ाई करना और काफ़ी सारी चीज़ें। हाँ, वो भी, लेकिन अब पढ़ना है तो पढ़ेंगे, मतलब मेहनत से पढ़ा है, ध्यान लगा के पढ़ो। आगे आपको मतलब डॉक्टर बनना है? हाँ। इसमें आज आप टॉपर बन गई हैं, तो आज माता पिता का आपका रिएक्शन और परिवार का रिएक्शन, क्षेत्र का रिएक्शन क्या है? मतलब सब बहुत खुश है ना कि मतलब हमारी लड़की ने इतना मतलब बड़ा वो किया है, सब बहुत खुश है। मतलब डॉक्टर बनने का आपका ड्रीम है ना? हाँ। मान लो स्थितियाँ अगर थोड़ी ऐसी रहती हैं तो किस तरीके से आप क्या चाहेंगे सरकार से, क्या है क्या नहीं, कोई समस्या आती है तो? मैं चाहूँगी सरकार से कि मतलब वो ना बच्चों को बोले कि मतलब वो कुछ फैसिलिटीज़ करवाए कि अब जो मतलब थोड़े जो नहीं अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो मतलब उनको उनके लिए कोई योजनाएँ लागू करनी चाहिए कि अब जिनकी मतलब नहीं पढ़ा सकते तो वो पढ़ाए उनको। नाम बता दें आपका? मेरा नाम कविता लोधी। नाम बताएं आपका? कौशल्या। कहाँ रहते हैं आप? सत्य साई नगर। कहाँ पढ़ता है ये? हाउसिंग के पीछे, हाउसिंग कॉलेज पीतमपुर में ना? पीतमपुर में। तो बताएं आज आपकी बालिका ने टॉप किया है, किस तरीके से देखते हैं, कैसा खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है हमारे लिए।
आपने किस तरीके से हेल्प की जो आज वो टॉप आई है, आपका क्या योगदान रहा उसको लेकर? मैंने तो इतनी कुछ मेहनत नहीं करी है, उसने बहुत मेहनत करी है, बहुत रात रात जाग जाग के मतलब बहुत मेहनत करी है। अभी आपका सपना क्या है, ड्रीम क्या है बालिका को लेकर? मेरा सपना तो बहुत है, मतलब कि डॉक्टर बन सके हो, सबकी मदद कर सके डॉक्टर बन के। पूरे घर परिवार में खुशी का माहौल है, क्या क्या फील कर रहे हैं आप सुबह से, कैसा कितने? बहुत खुशी हो रही है। परिवार की क्या है, मतलब परिवार में किस तरीके का माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। मेरा नाम चंदन सिंह लोधी। क्या नाम है आपका? चंदन लोधी। क्या करते हैं यहाँ पर आप? मैं कंपनी में काम करता हूँ, कॉमर्शियल सनमेक। तो आप प्रॉपर यहीं से कि बाहर से हैं? मतलब सागर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले, यहाँ पीतमपुर में रहता हूँ 10-12 साल से। चंदन जी बताएं, आज आपकी बालिका ने टॉप किया है पूरे एमपी के अंदर, किस तरीके से महसूस कर रहे हैं आप? मतलब मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरी लड़की मतलब इतने अंकों से अच्छी प्रतिशत लाई है, परसेंट लाई है। क्या कुछ बताएंगे किस तरीके से मेहनत करती थी, क्या उसका वो रहा है पूरा? हाँ सर, उसका मतलब बहुत पहले ही से मतलब पढ़ने में उसको बहुत रुचि रही है, मतलब दिन रात मेहनत करती थी वो पढ़ने के लिए। अभी आपकी आगे की थिंक क्या है, मतलब बच्ची को और कहाँ तक पहुँचाना मतलब चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं? लड़की की सोच है अपनी भी है कि ये कोई मतलब बने डॉक्टर, की सोच है उसकी अपनी मतलब बढ़ने की। क्या बनने की चीज़ है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं आप? हाँ जी। आप क्या करते हैं? मैं कंपनी में काम करता हूँ, कॉमर्शियल कंपनी।